हेलो एवरीवन, तो आज संडे है तो यहाँ पे मेरा वीडियो कट गया है। तो यहाँ पे मैं सुबह के नाश्ता बना रही हूँ। संडे है तो मैंने ये चने रात में भिगो के रखे थे, उसको मैंने मिर्ची और एक प्याज डाल के मैं उसे ही फ्राई कर ली थी। तो हम लोग ये नाश्ता में खा लेंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कटहल की सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे कटहल को मैं उबाल ली हूँ, दो सीटी लगाई हूँ, कटहल को छील ली हूँ और उसके बाद मैं उसको उबाल ली हूँ। उसके बाद मैं हाथ से तोड़ूंगी उसको। आप चाहे तो कुछ ये गिलास से या कुछ मैसर से इसको मैस सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से अपना ये कर लीजिए। तो यहाँ पे ये कर ली हूँ। उसके बाद मैं बेसन डाल दी ही। अब बेसन डालने के बाद मैं हल्दी पाउडर, नमक और कटी हुई प्याज, मिर्ची ये सब डाल के ये सभी को मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सभी को मिक्स कर रही हूँ। और मतलब ज़्यादा गीला लगे तो आप इसमें दोबारा, मैं फिर से थोड़ा सा बेसन डाली थी, मुझे कम लगा, गीला लगा। तो इस तरह से मैं बॉल बना लूँगी। थोड़ा सा बेसन और डाल के थी, उसके बाद मैं बॉल बना ली और उसमें मैं तेल डाल दूँगी। तेल जब तक गर्म हो रहा था तो मैं और बॉल बना ली और थोड़ा सा मैं डाल के देखी थी तेल गर्म है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पर जो कटहल का जो बनाई थी बड़ी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये देखिए मैं यहाँ पे ये पलट रही हूँ। धीमा आंच में इसको तलना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं तलना है, नहीं तो जल जाएगा, ऊपर से ये पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो मैं पलट लेती हूँ इसको। उसके बाद ये देखिए ये मेरा बन के तैयार हो गया है। तो मैं इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, अंदर से भी बहुत अच्छा पका था। ये इसमें टाइम लगता है, टाइम नहीं लगता है, 5-6 मिनट लगेगा ये पक जाएगा, और 5-6 मिनट से ज़्यादा लगता है थोड़ा। तो ये यहाँ पे मैं उसी तरह से मैं दूसरा भी पूरे रख दूँगी। और यहाँ पे मैं 2-4 बड़ी कोफ्ता मैं दे रही हूँ नाश्ता में अपने हस्बैंड और बच्चे को खाने के लिए। तो वो लोग ये चने खा रहे हैं और ये भी दे दूँगी खाने के लिए, तो हम भी खा लेंगे एक और ये लोग खा लेंगे। तब तक मैं खाना बना लूँगी। संडे का दिन ऐसे ही कटता है हम लोग का, नाश्ता पानी करो फिर खाना खाओ, ऐसे ही पूरे दिन ऐसे में कट जाता है। और यहाँ पे देखिए ये दूसरे वाला भी बन गया है। तब तक हम लोग बात कर रहे तब तक ये भी बन गया। बीच बीच में इसको देख रही थी कि जल ना जाए। तो यहाँ मैं निकाल लूँगी और उसी तेल में मैं एक पापड़ बनाऊँगी। हस्बैंड बोले कि पापड़ भी बना लो, तो ऐसे ही खाने के लिए पापड़ भी मैं बना लेती हूँ। ये बहुत अच्छा वाला पापड़ है, इस पापड़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं ये भी पापड़, दो पापड़ बनाती हूँ। तो मैं ये पापड़ एक दे के आता है 20 रुपये का, एक आता है 10, वो वाला पापड़ से उतना टेस्टी नहीं रहता था, इतना टेस्टी ये पापड़ लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं तरी बना रही हूँ रस, ये कोफ्ता की सब्जी। तो उसमें मैं तेज पत्ता डाल दी हूँ, जीरा डाल दूँगी, मैं हींग भी डाली थी वो कट गया है। यहाँ पर ये सब फ्राई हो चुका है। तो मैं यहाँ पर मसाला डाल दी हूँ। मसाला में मैंने ली थी ये अति 2 कटी हुई प्याज, छोटा छोटा ही था, मीडियम साइज का प्याज, 2 टमाटर, आप चाहे तो एक भी ले सकते हैं, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ली थी 2। तो यही सब मसाला मैं मिक्सर में पीस ली थी। आपके पास मिक्सर नहीं तो सिलबट्टा पे भी पीस के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी को मैं भून चुकी हूँ। उसके बाद मैं मसाला डाल दी, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, सभी मसाला डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े पानी डाली हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, तो उसमें जो मैं बड़ी बनाई थी उसमें मैं एक चम्मच के करीब मैंने बेसन ली और पानी में घोल ली बेसन को। अब उसी में घोल के मैं इसमें डाल दी ताकि ये थोड़ा ये रस गाढ़ा पे आ जाए, नहीं तो पतला पतला दिखेगा। और उतना प्याज जो मसाला में देते हैं ना तो वो वाला टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगते वो वाला, तो इसलिए मैं बेसन का ही मतलब रख दी जैसे कि गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पे मैं इसमें नमक भी डाल दी थी। तो यहाँ पे उबाल आ चुका है तरी में, रस में आप उबाल आ चुका है। तो इसमें जितना भी बड़ी था वो सब भी बड़ी को मैं डाल दूँगी, पकौड़े को।
और यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा चुके थे दोपहर को, तो यहाँ पे आयुष के साथ मस्ती देखिए। बेटा अच्छा तू नहीं पा रहा, तू कुर्सी पे देखेगा, कुर्सी पे बैठ के। और यहाँ पे आयुष के साथ खेलने के बाद ये शाम का टाइम है, तो मैं यहाँ पे आम ली थी, मैं ये आम ली थी 2.5 किलो आम है, तो आम वाले ना काट के ही दिया था, तो उसका बीज इसमें था ही, तो मैं बीज निकाल लेती हूँ। जो बड़ा बड़ा टुकड़ा है ना आम का, उसको मैं काट के मैं छोटा कर लेती हूँ, नहीं तो बड़ा बड़ा टुकड़ा जो रहता है ना अचार का, तो वो मतलब बर्बाद हो जाता है, आधा खाते हैं आधा फेंका जाता है, तो इसलिए मैं उसको काट के छोटा छोटा कर लूँगी, ताकि अगर थोड़ा सा खाना हो तो छोटा मैं ले लूँ, अगर ज़्यादा खाना हो तो बड़ा ले लूँ, इस तरह से मैं कर लेती हूँ पूरे आम को। और इस गर्मी इतना पड़ रहा है ना, पूरे एकदम पूरे शकल सब ये हो रहा है गर्मी से, तो ये मैंने सारा आम को मैं बीज निकाल ली थी, अंदर का जो बीज होता है सारा मैं निकाल ली थी, और मैं इसको पानी में भिगो के भर रात रखूँगी, उसके बाद सुबह मैं इसको सुखाऊँगी, तो मैं पानी में रख दी थी। और उसके बाद ये देखिए, ये मैं रात के खाना बना रही हूँ, रात के खाना डिनर, तो मैं यहाँ पे आलू का पराठा बना रही हूँ। तो मैं इसमें आलू को ना भर के मैं रखी थी, तो यहाँ पे देखिए मैं आलू भरूंगी, मैं सभी पराठा बना लूँ, बस लास्ट ये बचा था, तो मैं ध्यान आ कि मैं वीडियो तो बनाई नहीं, तो मैं झटाझट से मैं मोबाइल लाई और वीडियो बनाई, तो मैं ये थोड़ा सा रोटी बेल ली हूँ, उसके बाद मैं इसमें आलू भर देती हूँ, उसके बाद आलू भर के ऐसा ऐसा हाथ से थोड़ा प्रेशर करके, उसके बाद ये आटा लगा के उसके बाद मैं बेलूँगी। इस तरह से बनाने से ना ये पराठा फटता नहीं है। मैं आलू उबले हुए आलू में मैं कुछ नहीं डाली थी, मैं से एक प्याज खूब बारीक बारीक में ही काट के, और उसके बाद मैं थोड़ा एक कटी हुई मिर्च में बारीक बारीक काट के, अब नमक उमक सब मिला के, काली मिर्च सब मिला के, उसके बाद मैं आलू का मसाला बना ली थी, उसके बाद यहाँ पर मैं पराठा सेक रही हूँ इस तरह से, बस थोड़ा सा ही तेल में बन जाता है। आप लोग आलू पराठा ही बनाते होंगे, तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जिस तरह से मैं बनाती हूँ उस तरह से मैं दिखा देती हूँ, बहुत टेस्टी पराठा बना था। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पूरा पराठा बन के तैयार है, बस ये लास्ट है, मैं इसको भी बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए ये पराठा,
मैं दो तीन रोटी भी बनाई थी। मेरा मैं उतना तेल का सामान नहीं खाते हैं, ऐसे तो ये खा लेते हैं उसके, फिर भी बोले कि रोटी बना दो, तो मैं दो तीन रोटी भी बना दी थी। तो ऐसे हम लोग रोटी पराठा ये सब मिला के ही खा लिए थे। तो यहाँ पर देखिए मेरा कितना अच्छा कलर आया पराठा का। और यहाँ पर देखिए मेरा दिन का ही सब्जी बचा था, ये कटहल का सब्जी है, चावल है, दूध है यूज का, ये पराठा है, यही सब मेरा आज का डिनर था। तो हम लोग यही सब खाए थे। आप आइए, आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ पे आयुष को दिए थे एक पराठा बना के पहले ही, तो ये यहाँ पे आधा खाया आधा छोड़ दिया है। ये देखिए आयुष रूस गया है, आयुष रूस गया है, आयुष रूस गया है। मम्मी के साथ सोएगा ना बेटा? बाबू बाबू आयुष बाबू आयुष बाबू, देखो लाइट बंद कर दिया, इसे को लाइट बढ़ता बंद करता है रे बाबू। यहाँ पे देखिए दो आयुष ये मस्ती कर रहा है अपना। अब हम लोग सो रहे हैं, खाना पीना खा चुके हैं, तो अब हम लोग सो रहे हैं। तो कैसा लगे मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट। लाइट भी बंद हो गया, नैया हमने नाइट बॉल जला लिया है, ये नाइट बॉल है, आयुष ने बंद कर दिया, चालू कर दिया। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तो अगले बाय, गुड नाइट।